नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के लेसन में देखते हैं सेवंथ कॉर्ड्स और ये बॉलीवुड के गानों में कैसे यूज़ किए गए हैं। तो सेवंथ कॉर्ड पर आपको YouTube पे बहुत से लेसन्स मिल जाएंगे और ये कैसे बजाए जाते हैं उन पर भी आपको तरह तरह के लेसन्स मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा आपको सिंपल तरीके से दिखाऊँ, लेकिन हमारा लेसन का ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको समझाऊँ कि ये सेवंथ कॉर्ड्स कहाँ यूज़ किए जाते हैं और क्यों यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि मैंने और भी लेसन्स में बताया है, गाने पे डिपेंड करता है, म्यूजिशियन पे डिपेंड करता है कि वो गाने में क्या फील लाना चाहते हैं, क्या बदलाव लाना चाहते हैं, और उसी बेसिस पे वो सेवंथ कॉर्ड ही नहीं और भी तरह तरह के कॉर्ड्स हैं, सिक्स्थ कॉर्ड्स, नाइन्थ कॉर्ड्स, डिमिनिश्ड कॉर्ड्स वगैरह वगैरह, इन सब कॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लेसन में मैं आपको सिर्फ सेवंथ कॉर्ड्स दिखाऊंगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे ज़्यादा कॉमन कौन से सेवंथ कॉर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, फिर मैं आपको गानों के एग्जाम्पल्स के थ्रू दिखाऊंगा कि वो वहाँ पर कैसे यूज़ किए गए हैं। जहाँ जहाँ उन गानों के मैंने लेसन पोस्ट किए हैं, मैं आपको उनके लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा। लेसन को समझने के लिए आपको थोड़ी बहुत थियोरी आनी चाहिए। मैं वेस्टर्न म्यूज़िक के नोट्स के नाम भी लूँगा और हिंदुस्तानी स्वर के नाम भी लूँगा, ताकि आपको दोनों तरफ से समझ में आए। और आपको अगर कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लगे तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो पहले चलिए देखते हैं सेवंथ कॉर्ड्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। अगर हम सी को बेस लेके चलें, यानी कि सी हमारा टॉनिक नोट हो, यानी कि सा हो, तो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉर्ड है सी सेवंथ कॉर्ड। इसके अलावा सी मेजर सेवन, सी माइनर सेवन और सी डिमिनिश सेवन। तो इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर कॉर्ड है डोमिनेंट सेवंथ कॉर्ड, जिसको हम सिर्फ सेवंथ कॉर्ड भी कहते हैं। सो डोमिनेंट सेवन कॉर्ड्स को बजाने का सबसे कॉमन शेप है ए वाला शेप, यानी कि अगर आप ए मेजर बजाएं और इस फिंगर को यहाँ लिफ्ट कर लें तो ये आपका ए सेवन हो जाएगा और यही आगे बढ़ के आपका सी सेवन हो जाता है। अगर आप ई मेजर वाला शेप बजाना चाहें तो ये आपका ई मेजर है, अगर आप इस फिंगर को उठा लें तो ये ई सेवन हो गया, यही आपका आगे जाके जी सेवन हो जाता है। और अगर आप सी वाला शेप बजाना चाहें तो ये आपका सी कॉर्ड है, इस फिंगर को आप यहाँ लगा दें, यानी कि अपने फोर्थ फिंगर को आप थर्ड स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे लगा तो ये आपका सी सेवंथ हो जाता है, यही आके जाके डी सेवंथ, ई सेवंथ वगैरह वगैरह बन जाता है। तो आइए कुछ गानों को देखते हैं जहां पर आप ये सेवंथ कॉर्ड यूज कर सकते हैं। सबसे पहला एग्जांपल दे रहा हूं जिस पर मैंने लेसन दिया है, जिंदगी कैसी है पहली हाय फिल्म आनंद से। ये गाना जो है सी मेजर में है और सी डायटोनिक मेजर में है, इसमें सारे शुद्ध स्वर हैं, सी डी ई एफ जी ए बी सी, यानी कि सा, शुद्ध रे, शुद्ध गामा, पा, शुद्ध धानी और सा। और इस गाने में जहाँ जहाँ मैंने जी मेजर बजाया है लेसन में, मुझे याद नहीं मैंने लेसन में बजाया था कि नहीं, लेकिन आप उस जी मेजर की जगह जी सेवन बजा सकते हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये थोड़ा सुनने में और ज़्यादा रिच लगेगा। यानी कि इस प्रोग्रेशन को आप देखें, जहाँ पर मैं जी की जगह जी सेवन बजाऊँगा तो देखिएगा कैसा लगता है। और अब जी सेवन बजा के देखें, तो ये सेवंथ कॉर्ड जो है थोड़ा सा गाने को रिच कर देता है। आप कोई भी गाने को ले लें जो मेजर स्केल में है, अगर उसमें नी शुद्ध है, यानी कि सेवंथ नोट नेचुरल है, तो उस गाने में आप इसको यूज कर सकेंगे। एक और आपको एग्जांपल देता हूं, अभी हाल में ही लेसन मैंने पोस्ट किया था बड़े अच्छे लगते हैं, ये गाना एफ शार्प मेजर में है और इसमें आपके जो तीन मेजर कॉर्ड्स यूज होंगे एफ शार्प, बी, सी शार्प, जहां जहां सी शार्प यूज किया गया है आप सी शार्प सेवन बजा के देखें, चाहे यहां बजाएं चाहे यहां बजाएं, आप देखिएगा सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहां गाना मेजर स्केल में है, यानी कि गा शुद्ध है और नी जो है वो कोमल है, यानी कि सेवंथ नोट फ्लैटेंड है। अगर सी मेजर में लेके चलें तो स्केल के नोट्स हैं सी डी ई एफ जी ए बी फ्लैट और सी, यानी कि सा, शुद्ध रे, शुद्ध गा मा, पा, शुद्ध धा, कोमल नी और सा। तो चूंकि स्केल में बी फ्लैट नोट है, आप सी सेवंथ बजा सकते हैं, क्योंकि सी सेवंथ कॉर्ड में सी ई जी और बी फ्लैट नोट्स होते हैं। तो आप मेरा लेसन देखें, गाना है ओमा जी रे, उसमें मैंने जहां जहां सी मेजर बजाया है मैंने कई बार सी सेवन भी यूज किया है। तो
तीसरा एग्जाम्पल माइनर स्केल में लेके चलते हैं, उसी सी को बेस पकड़ के चलते हैं, और हम जो माइनर स्केल यूज करने जा रहे हैं ये हार्मोनिक माइनर स्केल है। इसमें नोट्स हैं सी डी ई फ्लैट एफ जी ए फ्लैट बी और सी, यानी कि सा रे कोमल गा मा पा कोमल धा शुद्ध नी और सा। तो इस स्केल में जो फिफ्थ नोट है यानी कि पांचवा नोट यानी कि सा रे गा मा पा, इस पर आप जो है सेवंथ कॉर्ड बजा पाएंगे यानी कि जी सेवंथ। तो मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ, दोनों पे आपको मेरे लेसन्स मिल जाएंगे। एक है पुकारता चला हूँ मैं, और दूसरा है आपका तेरे बिना जिंदगी से कोई फिल्म आंधी से। दोनों ही सी माइनर में है, और जहां जहां मैंने जी मेजर यूज किया है आप जी सेवंथ बजा पाएंगे। हो सकता है मैंने लेसन में दिखाया हो, लेकिन अगर नहीं भी दिखाया है तो आप बजा सकेंगे। चौथा एग्जाम्पल लेके चलते हैं मेजर स्केल पर, जहां पर मा नोट पे यानी कि चौथे नोट पर सेवंथ कॉर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो एक लेसन मैंने हाल में पोस्ट किया था, वो साथी रे फिल्म मुकद्दर का सिकंदर। ओरिजिनल लेसन शायद एफ शार्प में था, मैं आपको जी में दिखाता हूँ। तो स्केल जो है जी मेजर का जी ए बी सी डी ई एफ शार्प जी यानी कि सा रे गामा पा धा नी सा। और इस गाने की खासियत यह है कि कई बार जो है सारे गा शुद्ध के जगह कई बार कोमल गा यूज किया गया है। तो जब भी गाना जो है इस नोट पर लैंड करता है यानी कि कोमल गा, आप चाहें तो जी माइनर बजा सकते हैं, क्योंकि जी माइनर में जी बी फ्लैट डी नोट्स हैं यानी कि सा कोमल गा और पा, लेकिन उससे जो है थोड़ा फील अलग हो जाता है। ऐसे सिचुएशन म्यूजिशियंस क्या करते हैं कि सी सेवंथ बजा देते हैं। तो सी सेवंथ में चार नोट्स होते हैं सी ई जी और बी फ्लैट। तो जहां जहां बी फ्लैट नोट यूज कर रहे हैं वहां पर आप सी सेवंथ यूज कर सकते हैं। ऐसे और भी एक एग्जाम्पल है फिल्म कामचोर से, तुझ संग प्रीत लगाई सजना। तो सजना बोलते वक्त कई बार गाने में ये नोट आता है, कई बार ये आता है। तो जब भी ये नोट आएगा तब आप जी मेजर बजाएं, जब भी ये नोट आएगा तब आप सी सेवन बजाएं। गाना ओरिजिनल किस स्केल में था मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको जी में रख के दिखा रहा हूँ। तो ये तो थे आपके सेवंथ कॉर्ड्स यानी कि डोमिनेंट सेवंथ कॉर्ड्स। इसके अलावा और भी कई सेवंथ कॉर्ड्स होते हैं, मैं आपको दो एक कॉर्ड्स और दिखाता हूँ। एक एग्जांपल है मेजर सेवंथ कॉर्ड का। तो जैसे आप अगर सी में बजा रहे हों और ये आपका सी मेजर कॉर्ड है, अगर आप इस नोट को यहाँ से यहाँ ले आए तो ये आपका सी मेजर सेवंथ कॉर्ड हो जाता है। इसी तरह से ये डी मेजर सेवंथ है, वही ए वाला शेप है। जब आप ए बजाते हैं तो यू बजाते हैं, ए सेवंथ यानी डोमिनेंट सेवंथ यू बजेगा, ए मेजर सेवंथ यू बजेगा। अक्सर जो है लोग मेजर सेवंथ और डोमिनेंट सेवंथ को कंफ्यूज कर देते हैं, दोनों में काफी फर्क है। मेजर सेवंथ कॉर्ड्स मैंने कुछ लेसन में दिखाए हैं। एक है आपका शुक्रन अल्लाह, ये गाना जी शार्प मेजर में था, इसमें मैंने सी शार्प मेजर सेवंथ यूज किया था। और आप इस गाने के लेसन को देखें, जहां जहां मैंने वो कॉर्ड यूज किया है आप सी शार्प बजा के देखें एक बार, और दूसरी बार सी शार्प मेजर सेवंथ बजा के देखें, आपको फर्क पता चल जाएगा। ओरिजिनल गाने को सुने और उसके साथ बजा के देखें। और एग्जाम्पल है जीना जीना, इसमें भी मैंने मेजर सेवंथ कॉर्ड यूज किया है। कई गानों के लेसन में मैंने इंटरलीड म्यूजिक के साथ भी मेजर सेवंथ कॉर्ड्स बजाए हैं, जैसे कि ये वादा रहा, ये जीवन है। इन लेसन को आप देखें, और जहाँ जहाँ मैंने मेजर सेवंथ कॉर्ड यूज़ किया है आप सिर्फ मेजर कॉर्ड बजा के देखें और फिर मेजर सेवंथ बजा के देखें, ओरिजिनल गाने को सुने और देखें, आपको फ़र्क पता चल जाएगा। इसके अलावा कुछ और सेवंथ कॉर्ड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। एक तो है माइनर सेवंथ कॉर्ड्स। माइनर सेवंथ कॉर्ड जो है माइनर स्केल के गानों में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। म्यूजिशियंस माइनर सेवंथ कॉर्ड्स काफ़ी यूज़ करते हैं गाने को थोड़ा सा रिच बनाने के लिए। आप किसी भी माइनर स्केल के गाने को ले लें और जहाँ टोनिक नोट पर माइनर कॉर्ड बजाया गया है वहाँ आप माइनर की जगह माइनर सेवंथ बजा के देखें, आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने माइनर सेवंथ कॉर्ड्स कई लेसन में यूज़ किए हैं। एक अभी याद आ रहा है जीना जीना, इसमें आप देखेंगे मैंने माइनर सेवंथ ही नहीं मेजर सेवंथ कॉर्ड और भी कई तरह तरह के कॉर्ड यूज़ किए हैं। आप इस लेसन को देखें, आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा। तो हमने देखा मेजर सेवंथ, डोमिनेंट सेवंथ, माइनर सेवंथ, इसके अलावा डिमिनिश सेवंथ है। अगर आप सी में बजाएं तो ये डिमिनिश सेवंथ कॉर्ड्स है। डिमिनिश सेवंथ कॉर्ड्स की खासियत ये है कि ये हर तीन नोट के बाद वही कॉर्ड वापस रिपीट होता है। तो ये जो कॉर्ड है सी डिमिनिश सेवंथ, इसको आप एक दो तीन नोट आगे बढ़ाएं तो ये वही कॉर्ड है, सिर्फ फर्क इतना है कि ये ई फ्लैट पे शुरू हो रहा है। इसको फिर आप तीन स्टेप बढ़ाएं तो ये आपका जी फ्लैट डिमिनिश सेवंथ हो गया। डिमिनिश कॉर्ड से काफी टेंशन क्रिएट होता है। पहला एग्जांपल है नजर ना लग जाए, ये गाना जो है ए माइनर में है, और इसमें आप देखेंगे कि मैंने डी डिमिनिश सेवंथ कॉर्ड को यूज किया है।
आप इसको डी डिमिनिश्ड सेवंथ भी बोल सकते हैं, एफ डिमिनिश्ड सेवंथ भी बोल सकते हैं, जी शार्प डिमिनिश्ड सेवंथ भी बोल सकते हैं और बी डिमिनिश्ड सेवंथ भी बोल सकते हैं। चारों कॉर्ड्स के नोट्स कॉमन हैं। तो इस लेसन में आप देखेंगे मुखड़े के जो लास्ट लाइंस है, तू खो ना जा, तो ये जो नोट है जी शार्प, इस पर आप चाहें तो ई सेवंथ बजा सकते हैं, ई मेजर भी बजा सकते हैं, लेकिन म्यूजिशियंस ने डी डिमिनिश्ड सेवंथ यूज़ किया है, उससे थोड़ा सा टेंशन पैदा होता है और जब ये इस कॉर्ड से वापस ए माइनर तक जाता है तो सुनने में अच्छा लगता है। तो एक और एग्जांपल देता हूं डिमिनिश सेवन कॉर्ड्स के लिए। एक गाना है जिस पर मैंने लेसन पोस्ट किया था, चांद मेरा दिल फिल्म हम किसी से कम नहीं। तो इस गाने के अंदर के एंड में जो नोट्स हैं, इन तीन नोट्स पर आप चाहें तो इस नोट पे जी बजाएं, इस नोट पे ई मेजर या ई सेवन बजाएं और इस नोट पे ए माइनर बजाएं, और वही शायद मैंने लेसन में भी दिखाया था, लेकिन इसकी जगह आप ये ट्राई करके देखें। पहला जो नोट है उस पे जी पर हम जी कॉर्ड बजाएंगे, दूसरा जो नोट है जी शार्प उस पर हम जी शार्प डिमिनिश बजा रहे हैं, और तीसरा नोट जो है उस पे हम ए माइनर बजा रहे हैं। तो आप दोनों प्रोग्रेशन बजा के देखें और जो अच्छा लगे वो बजाएं, दोनों ही आप बजा सकते हैं। वैसे गाने में शायद ई सेवंथ या ई मेजर ही यूज किया गया था, तो आप डिमिनिश सेवंथ कॉर्ड यूज करके देखें और देखें कि कैसा फील आता है। मैंने जिन जिन लेसन में डिमिनिश सेवंथ कॉर्ड यूज किए हैं उनके लिंक्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। और भी कई तरह के सेवंथ कॉर्ड्स हैं, माइनर मेजर सेवंथ, हाफ डिमिनिश सेवंथ, सस्पेंडेड सेवंथ वगैरह वगैरह, भी बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। इनमें से कुछ तो पासिंग कॉर्ड्स होते हैं, यानी कि दो कॉर्ड्स के बीच में ब्रिज बनाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए आप जी माइनर में बजा रहे हो और आपके नोट्स इस नोट से इस नोट से इस नोट तक जा रहे हो, तब आप ये बजाएं उसके बाद ये बजाएं उसके बाद ये बजाएं, यानी कि जी माइनर मेजर सेवन और जी सिक्स। ये भी मैंने एक गाने के लेसन में दिखाया है, प्यार मांगा है तुम्ही से, आप देखें उसको और आप बजा के देखें, आपको पता चलेगा कि ये माइनर मेजर सेवन कॉर्ड्स कैसे होते हैं। तो आज के लिए यहीं रुकते हैं, आप मुझे अपने कमेंट्स और मैसेजेस भेजें, बताएं कि लेसन कैसा लगा। मैं कोशिश करूंगा इसी तरह से और भी लेसन पोस्ट करते रहूं। तो फिर मिलेंगे, शुक्रिया।